हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू खंडेलवाल क्लासेस इंस्पायर्ड बाय विद्या भारती राजस्थान। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द न्यू वीडियोस फास्ट। नाउ वी आर रीडिंग द लेसन नेम्ड द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, रिटन बाय मिशेल मोरपुर्गो। Let's look at the word meaning of this part of this text. Rum, एक प्रकार की शराब। Turned out, पता चला। Hurdles, भीड़। मर्जीपन, केक की मीठी ऊपरी परत। Dumped, पटक दिया। Piles, ढेर। Cheered, जयघोष किया। Stamp, पैर पटकना। Keep out, परे रखना। मिंगलिंग, घुल मिला मिलना। रिजॉल्व, तय करना। ऑर्फन, अनाथ। जेनरसली, उदारतापूर्वक। गोल पोस्ट, गोल का खंबा। विडो, विधवा। फेयर, उचित। नाउ स्टार्ट द लेसन। कैप्टन जिक मैकफर्सन। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। कैप्टन जिक मैकफर्सन, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी शुभ क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड के पश्चिम में डोरसेट से स्कूल शिक्षक हूँ। आह डोरसेट, ही स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आह डोरसेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे भली भांति जानता हूँ। We shared my rum ration and his excellent sausages. मैंने या हमने रम और उसके साथ शानदार मसालेदार गोश्त को बांटा। And we walked, कौनी, how we talked, और हमने बातें की, कौनी, हमने कैसे बातें की। He spoke almost perfect English, but he turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. वह लगभग अच्छी अंग्रेजी बोलता था, लेकिन यह पता चला कि उसने डोरमेट में कभी पैर नहीं रखा था, यहाँ तक कि कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। He had learned all he New of England from school and from reading books in English. वह इंग्लैंड को जितना भी समझता था, जितना भी जानता था विद्यालय से, और अंग्रेजी की पुस्तकों को पढ़कर ही सीखा था। His favorite writer was Thomas Hardy. उसके प्रसिद्ध मनपसंद लेखक थॉमस हार्डी था। His favorite book Far From the Madding Crowd. उसकी उसका मनपसंद लेखक थॉमस हार्डी था, और उसकी मनपसंद पुस्तक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डोरसेट। इस प्रकार सरहद से दूर, सीमा रेखा से दूर, हमने बादशेवा, ग्रेबियल ओक और सर्जेंट ट्राय और डोरसेट से बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसके एक पत्नी थी और एक बेटा था, बॉर्न जस्ट 6 मंथ, जो 6 महीने पहले जन्मा था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. जैसे ही मैंने अपने आसपास देखा, वहाँ चारों ओर पूरी सीमा रेखा पर धूम्रपान करती हुई, हंसती खिलखिलाती हुई, बातचीत करती हुई, कोई पेय पदार्थ पीती हुई, खाती हुई, खाकी और सलेटी रंग की भीड़ थी। हंस वॉल्फ
एंड आई शेयर्ड व्हाट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी। कोनी, हंस वुल्फ ने और मैंने तुम्हारे विस्मयकारी या आश्चर्यजनक क्रिसमस केक में से जो भी बचा था उसका आनंद लिया। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसके विचार से केक के सबसे ऊपर की मीठी सतह या मीठी परत सर्वोत्तम थी जो उसने कभी चखी हो। आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज के लिए सहमत हो गए थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वह मेरा शत्रु था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। कोनी, ऐसी क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं हुई थी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, तब कोई, मुझे पता नहीं कौन, फुटबॉल निकाल लाया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। बड़े कोटों के ढेर लगाकर गोल के खंभे बनाए गए, और अगली बात जो हमें पता चली वो ये थी कि सरहद के बीच में फ्रिट्ज के विरुद्ध टॉमी थे। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। हैंस वॉल्फ और मैं हाथों से ताली बजाते हुए अपने पैरों को जमीन पर पटकते हुए सर्दी को दूर करते हुए हम देख रहे थे और जयघोष कर रहे थे। देर वॉज ए मोमेंट वेन आई नोटिस्ड अवर ब्रीज मिंगलिंग इन दी एयर बिटवीन अस। वो क्षण ऐसा था जब मैंने देखा कि हमारी सांसें हमारे बीच हवा में मिल गई थी। ही सा इट टू एंड स्माइल जिम मैकफर्सन। ही सेड आफ्टर ए वाइल आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। उसने ये देखा और मुस्कराया, जिम मैकफर्सन। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मेरे विचार से इस तरीके से हम युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। ए फुटबॉल मैच, यानी कि एक फुटबॉल मैच के द्वारा, कुल मिला के फुटबॉल के मैच के द्वारा। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में किसी की मृत्यु नहीं होती। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइव्स बिकम विडोज, कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि मैं क्रिकेट अधिक पसंद करता। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, शायद तब हम टॉमीज जीतने के लिए विश्वस्त हो सकते थे, आश्वस्त हो सकते थे। वी लव्ड इट दैट, हम इस पर हंस पड़े। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने एक साथ इकट्ठे मैच देखा। सेट टू से, कहते हुए खेद है कोनी, फ्रिट्ज वन 2-1 कि फ्रिट्ज एक गोल के मुकाबले 2 से जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सैड, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। लेकिन हैंस वुल्फ ने तब उदारतापूर्वक कहा कि हमारा गोल उनके गोल से अधिक चौड़ा था, इसलिए यह बिल्कुल निष्पक्ष नहीं था। दिस पार्ट हैज़ बीन कंप्लीट बाय, सी यू टुमारो।